उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक पार्क में पढ़ी जाने वाली नमाज पर जब प्रशासन ने रोक लगा दी तो इस पर सियासत सुलग उठी है। इस मामले पर तमाम राजनीतिक दलों ने अलग अलग बयान दिए हैं। अजान पर बयान की वजह से विवाद का सामना करने वाले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी पूरे मामले में टिप्पणी की और कहा, जहां नमाज पढ़ने से लोगों को तकलीफ होती है वो नमाज जायज नहीं है। एक शो में सवाल करने पर सिंगर ने जवाब दिया कि सड़कों पर शोर मचाने को वो धर्म नहीं मानते हैं, जो गलत है वो गलत है, उसे बंद किया जाना चाहिए, कानून सभी के लिए समान है। अपनी बात साफ करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे जो भी धर्म हो, गलत गलत है, जो गलत है वो गलत है। सार्वजनिक स्थल जनता का है, उस आम जनता में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और नास्तिक भी आते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, आस्तिक भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो आप किसी धर्म को कैसे वो पार्क दे सकते हैं। सोनू निगम से जब पूछा गया कि इलाकाई मुसलमानों का तर्क है कि वे यहाँ काफी पहले से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, सिंगर ने कहा कि इस तरह की सती प्रथा भी काफी समय से चली आ रही थी और बाल विवाह भी काफी समय से चला आ रहा था। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि लोगों को थोड़ा सजग होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने एक मेरे मुसलमान दोस्त से पूछा कि नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं, तो उसने कहा कि नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ आपकी नमाज पढ़ने से किसी को तकलीफ होती है वहाँ आपकी नमाज जायज नहीं होगी।